सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। भगवान खाटू श्याम जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। तो भक्तों, आज जो हम कथा सुनाने वाले हैं उस कथा का नाम है बाबा खाटू श्याम जी को ब्रह्मा जी ने श्राप क्यों दिया था, ऐसा किस बात से उनको इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने बाबा श्याम को श्राप दे दिया। तो भक्तों, कथा शुरू करते हैं। ये कथा उस समय से शुरू होती है जब देवलोक और धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उस वक्त संपूर्ण मानव जाति या देव सभी देवों के ऊपर इतना तजर्बा था कि अगर तब कोई भी इंसान या देव अपने किसी आराध्य देवता या देवी की पूजा करता था तो उसे बहुत ही यातनाएं दी जाती थी, तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। वो समय बहुत बुरा था। तब राक्षस श्याम स्वयं को भगवान बताकर खुद की ही पूजा करवाने लगे थे। उनकी इतनी शक्ति बढ़ गई थी कि इंसान तो क्या देवता भी उनसे भयभीत रहने लगे थे। उस वक्त को अगर राक्षस राज कहा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तब उनके अत्याचार या उनकी शक्ति इस कदर बढ़ गई थी कि पाताल लोक, पृथ्वी लोक और आकाश लोक हर जगह राक्षसों का ही राज हुआ करता था। और तब सभी देव ऋषि मुनि परेशान होते हैं और अगर आपस में बात करते हैं और वो सभी इकट्ठा करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी को सभी स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं, अपनी परेशानियाँ जो भी परेशानियाँ थी सब कुछ बताते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि हे प्रभु, हमारी सभी समस्याओं का समाधान कीजिए, इस सृष्टि को ख़त्म होने से बचाइए और कोई तो उपाय होगा जो इस सब से बचा जा सके। और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि पर राक्षसों का राज होगा और भगवान का नाम लेने के लिए पृथ्वी पर इंसान नहीं बचेंगे, हर जगह राक्षस होंगे और जुर्म इस कदर बढ़ जाएगा, भाई भाई को नहीं समझेगा, कोई भी रिश्ते नाते की कोई कदर नहीं होगी, सभी दुखी होते हैं। तब ब्रह्मा जी विचार करके बोलते हैं कि इन राक्षसों या दुष्ट आत्माओं की शक्ति इस कदर बढ़ चुकी है कि इनको किसी देव या मेरे बस में नहीं है इनको रोकना। तो वो बोलते हैं कि समस्या का समाधान श्री श्री हरि विष्णु जी ही कर सकते हैं। तो सभी इकट्ठा होकर के उनके पास जाते हैं और ब्रह्मा जी अपनी जो भी समस्या है उसे विष्णु जी को अवगत कराते हैं और सभी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बस आप ही हो जो इस सुसु से हमें बचा सकते हो, आप ही हो जो इस सृष्टि का उद्धार कर सकते हो। और जब जब भी पृथ्वी या सृष्टि पर आ चाहिए, जब भी कोई जुल्म बढ़ा है तो आपने तब तब खुद अवतार लिया है और सृष्टि का उद्धार किया है। तब ब्रह्मा जी और सभी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हे प्रभु, इस सृष्टि को आप ही बचा सकते हो और आप ही हे प्रभु आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाएगी, देवलोक के देवताओं का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और जो भक्त आपकी पूजा करते हैं उनका विश्वास आपसे बिल्कुल ही उड़ जाएगा। और इस संकट की घड़ी में भी भगवान जब अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो इस सृष्टि पर भगवान की पूजा कौन करेगा। और तब ये सब सुनने के बाद श्री हरि विष्णु जी थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाते हैं और कुछ देर के बाद जब वो आँखें खोलते हैं तो सभी से बोलते हैं कि हे देव ऋषि मुनियों, इन सभी दुष्टों का नाश करने के लिए मैं स्वयं श्री कृष्ण का अवतार लूंगा। ये बात सुनते ही पूरी सृष्टि और जब सभी देव ऋषि मुनि हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु जी की जय जयकार कर रहे थे, तब इन सब के बीच में एक सूर्यवर्चा नामक यक्ष
भी मौजूद था। और जो ये सब सुनने के बाद बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। एक राक्षसी हंसी के साथ वो मुस्कुराता है और उसे हंसता हुआ देखने के बाद सभी देव ऋषि मुनि चुप। जब उनसे उनकी हंसी का कारण पूछा गया तो उसने चुप होते हुए बताया कि प्रभु, मेरे जैसे महाबली और शक्तिशाली योद्धा के होते हुए इतने छोटे से काम के लिए आपको जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर जाने की क्या जरूरत है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खुद धरती पर जन्म लेकर उनका विनाश कर दूंगा। इतनी बात सुनते ही ब्रह्मा जी क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि हे दुष्ट यक्ष, तुम अपने शक्ति के घमंड में ये सब भूल रहे हो कि धरती पर कंस जैसे सभी अधर्मी राक्षस और दुष्ट आत्मा को ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिस कारण तुम तो क्या इस संसार में सिवाय श्री हरि के कोई भी देव उनका सर्वनाश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। जो तुमने ये राक्षसों जैसा व्यवहार एक दुष्ट हंसी के साथ हंसकर भगवान विष्णु जी का जो अपमान किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपने अगले जन्म में राक्षस कुल में ही जन्म लोगे और संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा होते हुए भी तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी भी युद्ध में नहीं कर पाओगे। ये सब सुनते ही वो सूर्यवर्चा नामक यक्ष भयभीत हो जाता है और डर जाता है और रोने लगता है और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोलता है कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे अहंकार, मेरे घमंड ने मेरी आंखों पर एक पट्टी बांध दी थी जिसके अहंकार में मुझसे श्री हरि का अपमान हो गया। मेरा घमंड मुझ पर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि मुझे अपने से ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान या बलशाली कोई और दिखाई ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे प्रभु, ऐसा मत कीजिए, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। और ये सब होते ही संपूर्ण सृष्टि में सन्नाटा फैल जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ब्रह्मा जी का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तब वो यक्ष से बोलते हैं, हे यक्ष, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का उपाय तो मैं जरूर सुझा सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिस काल में श्री हरि धरती पर अवतार लेंगे तुम भी उसी काल में धरती पर जन्म लोगे राक्षस कुल में, और भगवान विष्णु के उस अवतार के हाथों ही तुम्हारा उद्धार होगा, इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और यह सब बोलने के बाद ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सभी देव ऋषि मुनि भी अपने स्थान पर वापिस हो जाते हैं। और आप सभी भक्तों से बता दूं कि वो सूर्य वर्चा नामक यक्ष कोई और नहीं, हमारे बाबा हारे के सहारे खाटू श्याम जी ही थे। वो उनके पहले जन्म का श्राप था जो उन्होंने इस जन्म में उससे मुक्ति पाई। और एक बात ये भी सत्य है कि अगर खाटू श्याम बाबा जी अपना शीश दान नहीं करते तो उनको श्राप से मुक्ति भी नहीं मिलती। और ये बात सत्य है, स्थिति समय चाहे जैसा भी हो, भगवान अपने भक्तों का हाथ सदैव पकड़ के रखते हैं, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते हैं। और अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम जी, खाटू नरेश की जय हो, शीश के दानी की जय हो, तुम्हारे के सहारे की जय हो। दोनों हाथ जोड़कर बाबा श्याम जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, सभी दुखों के दूर करना, कोई भी भक्त आपके दर से खाली ना जाए।